वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है और आज बड़ा मजेदार टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ और ये हर स्टूडेंट को, हर वर्क के स्टूडेंट को ये काम आने वाला टॉपिक है। आज हमने टॉपिक डिसाइड किया है, जो चूज किया है अंडर द हेडिंग पार्टी सिस्टम इन इंडिया। जी हाँ, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कितनी पार्टियाँ हैं, किस तरह से फंक्शन करती है, तो ये चैप्टर हमारा 10th क्लास में है, 9th क्लास में भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। सो बी रेडी फॉर द इंटरटेनमेंट, यूजफुल इंफॉर्मेशन। आज हम पार्टी सिस्टम के बारे में बात करेंगे और 9th क्लास 10th क्लास के लिए तो ये टॉपिक हमारा यूजफुल है ही, एज वेल एज अभी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है, टेस्ट होने वाला है और SSC के नियर फ्यूचर में जो एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात जो है, अभी तक आपने इसमें टॉपिक के अंदर जो पढ़ोगे तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे को मार्केट में मिलने वाली बुक्स है उनमें कंपाइल नहीं की गई है। तो आज मैंने आपके लिए काफी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और आपके सामने पेश की गई है, तो आप ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिएगा, स्किप करने की कोशिश न करें क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐड किए गए हैं और आज उन सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बड़ी अच्छी तरीके से। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं पार्टी सिस्टम इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है। कुछ कंट्रीज में केवल 2 पार्टी सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम भी है, लाइक चाइना, ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, बट इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो इंडिया में हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपको पता है हमारे देश में 2006 का जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग 6 नेशनल पार्टीज हमारे देश में है। नेशनल पार्टीज हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज है, 6 नेशनल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज। उनमें भारतीय जनता पार्टी जो प्रेजेंट में रूलिंग पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी ओल्डेस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPM और आपकी BSP मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और NCP शरद पवार जी की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव जी की जनता दल पार्टी, ये कुछ हमारी नेशनल पार्टीज थी। लेकिन इनके स्टेटस काफी कुछ चेंज भी हुए हैं 2014-19 के इलेक्शन के बाद, काफी चेंजिंग हुई है इनमें तो। लेकिन फिर भी 6 रिकग्नाइज हमारे अंदर देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाद में तृणमूल कांग्रेस भी ऐड हो गई थी। सो अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कुछ होगा, कितनी पार्टीज हमारी नेशनल होंगी, कितनी रीजनल होंगी। और रीजनल पार्टीज तो आपको पता ही है, हर स्टेट के अंदर रीजनल पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन आज जो हम मेन बात करने वाले हैं, जहां से हमारे देश में पार्टी सिस्टम स्टार्ट हुआ, और हमारे देश में पार्टी सिस्टम आपको पता है स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, जो वर्तमान हमारी कांग्रेस पार्टी है, उस पार्टी की स्थापना के साथ ही हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था। सो हम सबसे पहले, पुरानी पार्टी है सबसे पुरानी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आज बात करने वाले हैं, बाकी पार्टीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये टॉपिक चूज करने के पीछे पर्पज यही है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। सो आज दोनों को साथ साथ देखा जाएगा, स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉम्पिटिशन जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके बेनिफिट के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला। सो बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जो पार्टी है, जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले इसकी स्थापना आजादी से पहले ही हो गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म INC बोलते हैं। और इसका जो गठन हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी, दैट वाज डेट था 28 दिसंबर 1885। जी हाँ, 28 दिसंबर 1885 को हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था।
और इस कांग्रेस पार्टी के गठन के पीछे आपको पता है उस टाइम पे जो हमारा वॉइस राय था लॉर्ड डफरिन भारत में जो उस टाइम के वॉइस राय थे ब्रिटिश वॉइस राय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। सो लॉर्ड डफरिन को कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स ऐसी मिली थी कि 1857 जैसा कोई रिवोल्ट दोबारा ना हो जाए तो उनके ऊपर प्रेशर था कि भैया ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए तो इनकी जॉब खतरे में जा सकती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायत थी कि ऐसा कुछ नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ऐसा कुछ इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। सो लॉर्ड डफरिन ने एक अपने ब्रिटिश ऑफिसियर थे रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे सिविल ऑफिसर्स थे जिन्होंने भारत में काफी काम किया था उन महाशय का नाम था ए ओ ह्यूम जिनकी फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। सो इनको फाउंडर माना जाता है कांग्रेस का ए ओ ह्यूम मींस ये जो 72 स्टार्टिंग में जो 72 मेंबर्स थे कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स थे उनमें से मेन था फर्स्ट इनिशिएटिव लॉर्ड डफरिन के कहने के बाद एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ही पहला इनिशिएटिव लिया था और वो कब लिया था 85 में स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था लेकिन 1883 से ही एक्टिवली एओ ह्यूम ने अपने एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए थे। क्या एफर्ट्स थे लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि भैया हमें भारत के लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत किन्हीं के साथ करनी पड़ेगी जो पढ़े लिखे जो इंग्लिश जानने वाले हमारे जो इंडियंस हैं उनसे हम बातचीत करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें कुछ इनपुट्स मिलते रहे और उनको भी ये रियलाइज रहे इंडियंस को भी ये महसूस होता रहे कि एटलीस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे बारे में कुछ ना कुछ अवश्य सोच रही है। सो 1883 में जैसे ही एओ ह्यूम एक्टिव होते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे स्टूडेंट्स थे तो उनको उन्होंने लेटर लिखा और उनको लेटर लिख के उनको ये दिमाग में आइडिया दिया उनके दिमाग में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोगों के लिए कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां पर आप पढ़े लिखे लोग अपने व्यूज गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और अपने देश का कुछ भला कर सके बेनिफिट कर सके कुछ इस तरह के आइडिया से आपको पता बहला फुसला के उसने क्या किया कॉलेज के मेनली कलकत्ता के कॉलेज से बहुत से स्टूडेंट्स को और बाद में कुछ और स्टूडेंट्स को भी जोड़ा मुंबई से भी कुछ स्टूडेंट्स को जोड़ के उन्होंने डिसाइड किया कि भैया पुणे में महाराष्ट्र का शहर है पूना पूना जो बड़ा फेमस है पूना पूना शहर PONA पूना में डिसाइड किया कि भैया एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड और वहां पर सभी जो ये बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये मिलेंगे और वहां पे एक गेट टुगेदर डिस्कशन होगा और वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जाएगी। सो फाइनली दिन नजदीक आया तो पुणे आपको पता है पुणे में प्लेग फैल गया था। सो पुणे को जो स्थान चूज किया था उसको कैंसिल करना पड़ा और ये मीटिंग जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई जो कांग्रेस का जहां पे गठन हुआ बॉम्बे में अब तो मुंबई नाम है पहले बॉम्बे था बॉम्बे में कॉलेज है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि INC की स्थापना कहाँ पर हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो आपकी आपका आंसर होगा बॉम्बे और ऑप्शन में आज के टाइम पे हो तो मुंबई और जगह का नाम क्या है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सो पहला क्वेश्चन डेट कब हुई थी कौन सी जगह पे हुई थी पहले कहां पर डिसाइड हुआ था पूना में डिसाइड हुआ था किसके वॉइस राय कौन था उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन वॉइस राय था। ठीक है जी अच्छा जी पहली जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो उसमें 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था उस मीटिंग में और उस मीटिंग में जो 72 मेंबर्स थे उनमें से कुछ मेन मेन 10-11 आदमी जो बड़े पॉपुलर रहे उनके नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराने लग रहा हूँ। तो देखिए फाउंडर मेंबर्स में जो नाम आते हैं सबसे पहले ए ओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल ऑफिसर था जो मेन है सभी कुछ
ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में इसका मेन रोल रहा है, इसलिए इसको फाउंडर भी बोलते हैं। फिर सेकंड हमारे हैं विलियम वेडरबर्न। ये विलियम वेडरबर्न के ऊपर मैंने स्टार लगाया है, दूसरे नंबर पे इनका नाम लिखा है विलियम वेडरबर्न। और एक्चुअल में ये दूसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे, मींस 1886 में सॉरी सेकंड ब्रिटिश प्रेसिडेंट भी ये कांग्रेस के रहे, बाद में बात करेंगे। फिर एक तीसरे मेंबर थे, ये भी ब्रिटिश मेंबर थे, जॉन जार्डाइन। सो तीन मेंबर जो मैंने बताए हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडरबर्न एंड जॉन जार्डाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि फाउंडर मेंबर्स में ब्रिटिशर्स कौन थे, अंग्रेज कौन थे, तो तीन नाम मैंने मेन आपको बताए हैं, एलन एओ ह्यूम, विलियम वेडरबर्न, जॉन जार्डाइन। बाद में और दो आदमी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं जो ब्रिटिश थे, उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन सभी पूछे नहीं गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उस मीटिंग में 28 दिसंबर 1885 में ये डिसाइड किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना जाएगा जो पॉलिटिकल रूप से एक्टिव होगा और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है और इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म इस पार्टी के थ्रू ही अपना जो अपनी डिमांड्स हैं वो रखा करेंगे। सो मेनली ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कशन के लिए ही, नेशनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उनके डिस्कशन के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बना गया था, और बाद में ये आपको पता है हमारे देश की रूलिंग पार्टी बनी है सबसे बड़ी। तो इस मीटिंग में सबसे पहले डब्ल्यू सी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ही वाज फ्रॉम बंगाल, कॉलेज के स्टूडेंट थे। डब्ल्यू सी बैनर्जी लॉयर थे, वकील थे। तो डब्ल्यू सी बैनर्जी को पहला प्रेसिडेंट चुना गया, वहां पे 72 मेंबर्स ने में डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि डब्ल्यू सी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी को कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट प्रेसिडेंट 1885 में, तो आपका क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर क्या आप लिख के आएंगे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है डब्ल्यू सी बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। So, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनमोहन घोष, ये सभी बंगाली थे। लाल मोहन घोष बड़े वहां के प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे, तो ये भी उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में आए थे मीटिंग में। और बदरुद्दीन तैयब जी, इनको देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम कैंडिडेट थे और ये पहले बाद में फ्यूचर में जाके पहले मुस्लिम कैंडिडेट प्रेसिडेंट भी बने हैं कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी। एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था, ये ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। एम जी रानाडे का पूरा नाम ध्यान कीजिए, महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। सो उसके बाद दादा भाई नारोजी को तो आपको पता ही है। दादा भाई नारोजी कौन थे, पारसी नेता थे, मैथमेटिशियन थे, पॉलिटिशियन थे, और सबसे बड़ी बात दादा भाई नारोजी कॉटन के ट्रेडर भी थे। कॉटन का इनका बिजनेस था और इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान था, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक भी लिखी है, ड्रेनेज ऑफ इंडियन मनी। तो बहुत प्रसिद्ध नेता रहे हैं, ये भी कांग्रेस के बाद भी प्रेसिडेंट बने थे। दिनशा इदुरजी वाचा ये साउथ से आते हैं, तो ये भी बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। फिरोज शाह मेहता, और ये भी बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो ये 72 मेंबर्स में से जो मेन 10 से 11 मेंबर्स मैंने चूज किए हैं, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बार बार अपना रिवाइज करते रहेंगे। सो दोस्तों ये तो थे हमारे फाउंडर मेंबर्स के बारे में बात होती है कि कौन कौन फाउंडर मेंबर थे, कहां पर कांग्रेस का गठन हुआ, किसके कहने पर हुआ, क्या क्या एफर्ट्स हुए। अब जो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स के अंदर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आपको बड़े आसानी से इनको याद करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स आ जाए। और ये बात ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैंने आजादी से पहले और प्लस में आजादी के बाद के भी मेन सभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है, जो कि आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेगी। आपको बार बार इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करना पड़ता था, लेकिन आज के बाद नहीं करना पड़ेगा। यू
आप लोग सीधा इस वीडियो को देखें और आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। आपको कहीं पे कुछ ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो काम हमारा है। आपको रिलायबल ऑफिशियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम हमारा है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आप पुराने कॉम्पिटिशन एग्जाम उठाओगे उनमें बार बार ये क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मैं बता चुका हूँ 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे और वहां पर मद्रास में ये मीटिंग हुई थी। फिर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ब्रिटिश कौन था जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था, जॉर्ज यूलेट 1888 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया। इसके पीछे एक सिंपल सी बात ये है, सिंपल सा पॉइंट ये है कि ये कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो पहले तो थोड़ा बहुत इतना इंडिया की सपोर्ट में थे, थोड़ा बहुत लिबरल टाइप के थे, थोड़ा बहुत सिंपैथी इंडिया के साथ रखते थे। और सेकंड पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं कि इनको भारतीय नेताओं के साथ तालमेल भी बनाना पड़ता था। जब तक इनके साथ तालमेल नहीं होगा तो गवर्नमेंट तक बातें कौन पहुंचाएगा, वायसराय तक कौन बातें पहुंचाएगा। सो ब्रिटिश फर्स्ट ब्रिटिश जो है जॉर्ज यूले, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड ब्रिटिश कौन था जो जॉर्ज यूले के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, ही वॉज विलियम वेडनबर्न। तो मैंने यहां पे आपको लिखा हुआ स्टार लगा के दिया है, विलियम वेडनबर्न। आगे दोस्तों कैसा क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड मुस्लिम भी पूछ सकते हैं आपसे। अभी तक तो आपने एक क्वेश्चन का रटा लगाया हुआ, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ही वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। बट आपसे अगर सेकंड पूछा जाए तो उसका नाम है रहीमतुल्ला सयानी, 1896 में कलकत्ता में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। सो ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जैसे अभी पीछे एग्जाम में पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, सभी को याद है नील आर्मस्ट्रांग, फिफ्थ क्लास तक के स्टूडेंट को भी याद है नील आर्मस्ट्रांग। बट जैसे ही एग्जाम में पहली बार किसी ने पूछा कि हु वाज द सेकंड मैन टू रीच ऑन मून, फिर बड़ी परेशानी स्टूडेंट्स को होने लग गई थी। तो एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे से पूछता है, फर्स्ट वाले को भी पूछता है, सेकंड वाले को पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड मुस्लिम ही वाज रहीमतुल्ला सयानी। और क्वेश्चन आप डरिए नहीं, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे बाहर कोई क्वेश्चन आने की मेरे को पॉसिबिलिटी लगती नहीं है, क्योंकि मैंने भी काफी एग्जाम्स दिए हैं और काफी दिनों से स्टडी कर रहा हूँ एग्जाम्स को, तो नहीं लगता मुझे इनमें से इसे बाहर कुछ आएगा। फिर हमारे जो लिबरल, जो आपका कांग्रेस का लिबरल जो पार्ट था, जो लिबरल ग्रुप था, उसके जो मेन लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, वो 1905 में बनारस में जो मीटिंग हुई थी वहां पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने कांग्रेस को प्रेसिडाइड किया था और 1905 की डेट आपको याद होनी चाहिए, 1905 में हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को रिलेट करके याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो ही वाज गोपाल कृष्ण गोखले और बनारस में ये कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। सो आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद रास बिहारी घोष बड़े पॉपुलर आदमी रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, कॉम्पिटिशन एग्जाम का, रास बिहारी घोष 1907-1908 दो साल लगातार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना बन चुकी है कि भैया ऐसे कौन कौन से आदमी है जो कॉन्टिन्यूसली कंसेक्यूटिवली दो प्लान के लिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो पहला नंबर किसका आता है इसमें, रास बिहारी घोष का नंबर आता है, जो पहले लगातार दो बार 1907-1908 में रहे हैं। 1907 में जो मीटिंग हुई थी सूरत में और 1908 में हुई थी मद्रास में, और मैंने स्टार क्यों लगाया कि सूरत वाली जो मीटिंग थी 1907 में, यहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था। आप लोगों को पता होगा कांग्रेस जो है रेडिकल ग्रुप और लिबरल ग्रुप में बढ़ गई थी,
1907 में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का पार्टीशन हो गया था, जो बाद में आगे जाके रियूनाइट हुए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये रियूनाइट का आ ही गया क्वेश्चन, अंबिका शरण मजुमदार, ये अंबिका शरण मजुमदार एसी मजुमदार के नाम से जाना जाता है, 1916 में ये लखनऊ में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये फेमस क्यों है ये मजुमदार साहब, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर 1916 में ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, तो 1916 में कांग्रेस के दोनों ग्रुप फिर से रीयूनाइट हो गए थे, नरम दल गरम दल लिबरल एंड रेडिकल दोनों ग्रुप इकट्ठे आ गए थे, क्योंकि इस समय तक महात्मा गांधी जी की एंट्री कांग्रेस में हो चुकी थी। महात्मा गांधी कांग्रेस में आ गए थे, उन्होंने कहा कि अगर देश को आजाद कराना है तो सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, और रेडिकल ग्रुप लिबरल ग्रुप के साथ साथ मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस के साथ लेके आया गया था, उनके साथ भी एक समझौता हुआ था कि वो भी देश की फ्रीडम जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे, और तीनों ग्रुप्स जो है मिलके काम करेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस रीयूनाइट हो गई थी और मुस्लिम लीग की भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी सहयोग का प्रोमिस किया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है एनी बेसेंट के बारे में, क्वेश्चन आता है कि एनी बेसेंट कब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी, 1917 में, 1917 वर्ल्ड वार के दौरान ही बनी थी, और ये पहली लेडी थी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी, कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी। जी हाँ, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, फर्स्ट एवर लेडी प्रेसिडेंट शी वाज एनी बेसेंट, जो कि होम रूल लीग आंदोलन चलाने के लिए बड़ी फेमस रही है, और ये आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन भारत में आके इन्होंने जो आयरलैंड में मूवमेंट चलाया था होम रूल लीग मूवमेंट, वही आंदोलन इन्होंने भारत में आकर भी चलाया था होम रूल लीग मूवमेंट, और बाल गंगाधर तिलक उन्होंने इनसे प्रभावित होकर उन्होंने भी इनके साथ मिलकर काम किया था, और उन्होंने भी अपना होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था। सो कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर टाइम, पहली बार कोई एक लेडी प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, तो शी वाज एनी बेसेंट। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमें इनका ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ऐसे हलवा मलाई क्वेश्चन से अगर ऐसे क्वेश्चन भी याद नहीं करोगे तो कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाओगे। सो आगे बढ़ते हैं, मोतीलाल नेहरू, जिनके ऊपर हमारे देश की पॉलिटिक्स बिल्कुल घूमती थी। मोतीलाल नेहरू जो थे 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अमृतसर में रोलेट एक्ट के दंगों के टाइम पे, ऐसे रिलेट करके चीजों को याद कीजिए। 1999 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू, ऐसे याद कीजिए, ठीक है, आपको चित्र याद हो जाएगा कि भैया जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा जी, जब कांग्रेस रीयूनाइट हुई तो कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार। जब स्प्लिट हुआ तो कौन था, रास बिहारी बोस। यही से आपके क्वेश्चन आते हैं, आप इन इंफॉर्मेशन को याद कीजिएगा। फिर लाला लाजपत राय का जिक्र कर लेते हैं, लाला लाजपत राय ने बड़े फेमस नेता थे, तो वो भी 1920 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो कलकत्ता में मीटिंग हुई थी जब लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को अध्यक्षता अपनी सेवाएं दी थी अध्यक्ष के तौर पर। फिर ये जेंटलमैन, इनको ध्यान दीजिएगा, ये बड़े यूनिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लेके आया हूं मैं, आपको किसी बुक्स में भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं देखा नहीं है। सो आज मेरी आंखों के सामने आ गया, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं, हकीम अजमल खान। जी हाँ, ये हकीम अजमल खान का इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे नेता है, ऐसे प्रेसिडेंट है जो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, जो मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रहे और खिलाफत मूवमेंट के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। हकीम अजमल खान 1971 में ये अहमदाबाद जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वहां पे प्रेसिडेंट थे, और इनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है, हकीम अजमल खान के नाम कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और खिलाफत मूवमेंट के भी मेंबर रह चुके हैं, कमेटी के हेड रह चुके हैं खिलाफत कमेटी में। सो बड़ा इंटरेस्ट, अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट करें। इसके बाद बात करते हैं सीआर दास, चित्रंजन दास, बंगाली बाबू है हमारे, बंगाल से आते हैं, बड़े तेज तर्रार नेता थे। 1922 में बिहार में गया में जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, वहां पे ये सीआर दास अध्यक्ष बने थे,
तो मैं इनके साथ एक नाम जोड़ता हूं। गया में मीटिंग हुई, जैसे गया में अध्यक्ष बने, गया वाला अध्यक्ष पार्टी छोड़ गया। जी हाँ, मीटिंग हुई गया बिहार में, गया में, तो ये भी गया, ये भी पार्टी छोड़ गया। जी हाँ, 1922 में जैसे ही महात्मा गांधी ने चोरा चोरी की घटना के बाद, इंसिडेंट के बाद, जो पुलिस थाने में आग लगाई थी भीड़ ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, तो गांधी जी ने अपना मूवमेंट वापिस ले लिया था, तो उससे नाराज होकर सियालदास मोतीलाल नेहरू ने अपनी अलग से एक पार्टी बनाई थी, और इसका नाम था, क्या नाम था भैया आपको याद होगा, बोलिए बोलिए, इसका नाम था स्वराज दल, स्वराज दल, स्वराज पार्टी। तो इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, और उसके बाद हमारे देश में काफी मूवमेंट भी तेज हुए थे, स्वराज पार्टी आने के बाद काफी मूवमेंट तेज हुए थे, तो इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन इनकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स के कारण, डेथ होने के कारण, वो पार्टी फिर से कांग्रेस में ही वापिस आके मर्ज हो गई थी। सो आगे बढ़ते हैं, अबुल कलाम आजाद। ये अबुल कलाम हमारे अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति नहीं है, ये अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। ये वो आदमी है जो देश का पहला शिक्षा मंत्री बना था। सो अबुल कलाम आजाद 1923 में, 1923 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे, और वो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग को स्पेशल मीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस की दो बार मीटिंग स्पेशल मीटिंग्स हुई है, तो उनमें से एक है अबुल कलाम आजाद, जिनको मौलाना आजाद के नाम से फेमसली आप जानते हैं। तो बाद में जब ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने थे फर्स्ट, तो इन्होंने यूजीसी आईआईटी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट अब इनका रोल रहा है, यूजीसी के गठन में और आईआईटी के गठन में, और एक और जो प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में भी इन्होंने अच्छा काम किया है, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके व्यूज थे, इनके प्रयासों से ये जब ये शिक्षा मंत्री थे तो ये चीजें पॉसिबल हो पाई थी। सो मौलाना आजाद को भी आप अच्छी तरह से याद करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो सन है 1924, 1924 का जो सन है वो महात्मा गांधी की अध्यक्षता के लिए जाना जाता है, और ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। एक सबसे पहले जो गांव में जो कोई भी और मीटिंग हुई थी, वो पहली मीटिंग महात्मा गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक के बेलगांव में हुई थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है बेलगांव, कर्नाटक का गांव है, अब तो काफी बड़ा हो गया है एरिया। तो महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन की, इस सेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना, महात्मा गांधी एक बार बने हैं, कब बने हैं, 1924 में। क्यों बने हैं ये भी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो बंद हो गया था, और उसके बाद बहुत सारे नेता, मोतीलाल नेहरू, सियालदास, सुभाष चंद्र बोस, ये कुछ मेन मेन जो लीडर्स थे, ये गांधी जी से नाराज हो गए थे कि आपने गलत टाइम पे आंदोलन को बंद कर दिया। तो गांधी जी काफी नाराज चल रहे थे, और उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग करने की कोशिश की थी। तो बाद में गांधी जी को दोबारा मना के लाया गया था कि भैया आप आइए और आप खुद प्रेसिडेंट बन जाइए कांग्रेस के, और अपने हिसाब से कांग्रेस को चलाइए, कांग्रेस को और देश को आपकी जरूरत है। सो महात्मा गांधी और उनकी प्यारी शिष्या थी सरोजनी नायडू, इसको तो भूलने का ही नहीं है। सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से तो प्रसिद्ध है, सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, कवित्री रही है, पोइटेस रही है, और ये पहली इंडियन लेडी थी। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो पहली कांग्रेस की लेडी कौन थी, एनी बेसेंट, बट शी वाज फ्रॉम आयरलैंड, शी वाज अ फॉरनर। बट सरोजनी नायडू 1925 में महात्मा गांधी के बाद, ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी से पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और मुस्लिम कैंडिडेट, महात्मा गांधी के बाद एक लेडी सरोजनी नायडू, इंडियन लेडी। तो पहली भारतीय महिला का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, सरोजनी नायडू। मैंने जब 2007 में एसटेट का एग्जाम दिया था, तो तब मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद भी काफी बार आया है। तो पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट, पहली भारतीय पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन लेडी पूछा जाए, तो शी इज सरोजनी नायडू, 1925 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
बट ये जवाहरलाल नेहरू, अब जवाहरलाल नेहरू के नाम तो रिकॉर्ड ही है कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का, काफी बड़ा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में देश आजाद होने से पहले 1929 और 1930 लगातार दो बार ये अध्यक्ष रहे हैं। आपको बड़ा अच्छी तरह से याद होगा 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर ये सेशन हुआ था, ये मीटिंग हुई थी, अधिवेशन हुआ था, और इसमें ही पूर्ण स्वराज की डिमांड पहली बार रखी गई थी। टोटल स्वराज, कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी गई थी उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट ईयर फिर से कराची में अधिवेशन हुआ था 1930 में। सो 1929 एंड 1930 कंजीक्यूटिव ईयर्स में रास बिहारी घोष की तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, और उसके बाद में जब वो प्रेसिडेंट बने, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उस टाइम इरा से क्वेश्चन आपका आता नहीं है, यहीं से आता है कि 1929 में कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ, कौन प्रेसिडेंट थे, और उसमें कौन सी मेन डिमांड रखी गई थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी। इसके बाद सरदार पटेल जी, हमारे लौह पुरुष, जो देश के लौह पुरुष कहलाते हैं, हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी 1931 में 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, अध्यक्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका आने वाला है, और आप पुराने एग्जाम उठाएं, क्वेश्चन पेपर उठाएं और देखना उनमें से इन जो क्वेश्चन है उसमें आए हुए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, और आई होप कि आगे भी आपका नहीं आने वाला है इनसे बाहर कोई क्वेश्चन। फिर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रेसिडेंट बने थे आजादी के बाद दो प्लान के लिए, तो 1934 और 1935 ये भी दो बार बंबई अधिवेशन में और लखनऊ अधिवेशन में दो बार लगातार आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े पॉपुलर नेता रहे हैं। और हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी, ये भी लगातार दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, और उसके जस्ट आफ्टर 1939 में फिर से ये इलेक्ट हो गए थे, लेकिन 1939 में महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट होने के बावजूद विरोध किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अपना कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रेजिग्नेशन देके कांग्रेस को छोड़ दिया था, और अपने अलग से अपने दल बना लिए थे इन्होंने, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो ये तो 1939 तक की कहानी पहुंच जाती है दोस्तों। इसके बाद हमारा आपको पता है 1939 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कांग्रेस की मीटिंग भी स्थगित हो जाती है। तो उसके बाद जब सीधी हमारी मीटिंग होती है तो उसके बारे में बात करते हैं, जो मेन 1947 में, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि हम भारत को आजादी देने वाले हैं, तो उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो 1947 में ये भी क्वेश्चन बार बार आया है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, when India got freedom, जब ब्रिटिश सरकार से इंडियन गवर्नमेंट को पावर्स ट्रांसफर हो रही थी, सभी डॉक्यूमेंट्स की कार्यवाही चल रही थी कि कैसे कैसे पावर को ट्रांसफर किया जाएगा भारत को, तो उस समय पर जेबी कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, इनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी, और भैया मेरठ में ये अधिवेशन हुआ था, तब ये हेड थे कांग्रेस के, प्रेसिडेंट थे, और इनकी वाइफ थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, उनके नाम पे एक रिकॉर्ड है, इनके नाम में रिकॉर्ड है, वो भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, ये भी बहुत बार आता है, वो क्या क्वेश्चन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी श्री जेबी कृपलानी की वाइफ थी, और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, और इंडिया की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर को सुशोभित किया था, उस पद को सुशोभित किया था, जो फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो शी वाज वाइफ ऑफ मिस्टर जेबी कृपलानी, और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आजादी के बाद के बारे में, ये जो अब आगे आने वाली इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने स्पेशली कलेक्ट की है, आप इसको नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपको बुक्स में कहीं पर मिलने वाली नहीं है, इसके लिए आपको बार बार मैंने कहा गूगल बाबा की शरण में जाना पड़ेगा।
तो आपको काफी टाइम लगाना पड़ेगा, तो आप टाइम ना लगाए 5-7-10 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस वीडियो को डाउनलोड करके रखिए, आपको काम आएगा ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये है 1950 में जो बने हैं हमारी आजादी के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जी। जी हाँ, पुरुषोत्तम दास टंडन। मैं साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इनका निकनेम है, फेमस थे राजऋषि के नाम से फेमस थे, और इनको यूपी का गांधी भी बोलते हैं, गांधी ऑफ यूपी भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड गांधी ऑफ यूपी, पुरुषोत्तम दास टंडन। जी हाँ, इसको याद रखिएगा। तो आजादी के बाद के मैं सिर्फ मेन मेन लीडर्स के नाम बताऊंगा जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सभी एक दो को ही छोड़ा है मैंने, ज्यादा को नहीं, दो, लेकिन जो मेन मेन है सभी को इंक्लूड किया है क्योंकि सभी को याद करना पॉसिबल भी नहीं है। फिर 1959 में फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई थी। उसके बाद ये इनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये अपने पिताजी की मौत के बाद ही लंबे समय तक अध्यक्ष बनी है, लेकिन पहली बार 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी इंदिरा गांधी। उसके बाद यहाँ पे भी आ जाते हैं 1948 और 49 में पुरुषोत्तम दास टंडन से पहले पट्टा भी सीतारमैया। जी हाँ, पट्टा भी सीतारमैया जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद हमारे 1960 से 63 3 साल के लिए नीलम संजीवा रेड्डी, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने थे, नीलम संजीवा रेड्डी ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं 1960 से 63 तक। 1960 से 1963 ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम इनको प्रेसिडेंट के फॉर्म में याद रखते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। इसके बाद देखिए 1964 से 1967 के कामराज ये भी बहुत कमाल के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि इनको किंग मेकर कहा जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स में किंग मेकर के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, एक बार इस डेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इनका टाइम पीरियड 1964 से 1967, और ये कौन सा टाइम है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद नेचुरली मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के दावेदार थे, लेकिन के कामराज ने कांग्रेस में कुछ सपोर्ट जुटाते हुए करिश्माई नेता, गरीब नेता, ईमानदार नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो के कामराज जी थे जिनके प्रयासों से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर भारत के बन पाए थे। तो 3 साल का इनका टाइम पीरियड रहा है 1964 से 1967, और इंदिरा गांधी के साथ इनकी बड़ी टसल रही है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद कांग्रेस में फिर से नए प्रधानमंत्री की खोज स्टार्ट हो गई थी, तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच काफी टसल चली थी। तो उसके कारण इंदिरा गांधी के साथ इनकी काफी अनबन भी रही थी, वो बाद की बातें हैं। और ये अगला क्वेश्चन देखिए 1970 से 1971, 1970 से 1971 दो बार जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। जी हाँ, बाबू जगजीवन राम, इनके बारे में भी 2 दिन क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहले तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ भी दिया था बाद में, बड़े दलित नेता रहे हैं, इनको बाबू जगजीवन राम के बाबू जी के नाम से जाना जाता है। और इनको एक और नाम दिया जाता है भारतीय राजनीति का उत्प्रेरक, कैटालिस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से भी इनको संज्ञा दी जाती है, एक डेजिग्नेशन, एक उपाधि, एक निकनेम इनको दिया जाता है, क्या, कैटलिस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। जगजीवन राम की सुपुत्री मीरा कुमार हमारी लोकसभा की अध्यक्ष रही है कांग्रेस के प्लान में, जो पीछे हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें मीरा कुमार जी औरत है, मीरा कुमार वो क्या रही है, लोकसभा की अध्यक्ष भी रही है, वो इनकी सुपुत्री है, जगजीवन राम जी की सुपुत्री। इसके बाद 1972 से 74 तक शंकर दयाल शर्मा जी हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा जी ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं।
इसके बाद सॉरी 1985 से 1991 तक 1985 में देखिए राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद 1985 से 1991 तक जब तक मरे नहीं उनकी भी हत्या नहीं होगी तब तक राजीव गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उनके विश्वसनीय 1992 से 96 तक 4 साल तक ये बड़ा डावाडोल का हमारे देश के लिए बड़ा कठिन टाइम था। तो पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री रहे हैं, इनकी जोड़ी और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश को आर्थिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और सफल भी हुए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव ये 1992 से 1996 तक हमारे देश के उसी दौरान बिल्कुल ठीक है ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उसी दौरान ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके बाद 1996 से 1998 ये अंतिम महाशय थे सीताराम केसरी जी, ये ओबीसी कैटेगरी के नेता थे। 1996 से 1998 तक ये सीताराम केसरी जी अंतिम मेंबर थे जो गांधी परिवार से बाहर रखे थे, अंतिम प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी। और सीताराम केसरी का तख्ता पलट किसने किया था, सीताराम केसरी का तख्ता पलट किया था सोनिया गांधी और उसकी टीम ने। तो 1998 के बाद सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं। उसके बाद सोनिया गांधी जी के बाद बीच में 2 साल पहले राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी जिनकी इतनी लंबी लिस्ट है ये तो कुछ ही मैंने सेलेक्ट की है, और भी बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे हैं। आज कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि क्वेश्चन यही बना हुआ है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और राहुल गांधी ने अपना रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद फिर से सोनिया गांधी अब राइट नाउ इंट्रिम प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष बनी हुई है और नए अध्यक्ष की परमानेंट एक अध्यक्ष की एक प्रेसिडेंट की कांग्रेस को आज जरूरत है। अगर आप उस पोस्ट के लिए अपने आप को इलिजिबल समझते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आई एम जस्ट जोकिंग। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेकर 2020 तक जो कांग्रेस का सफर रहा है, कौन कौन उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन कौन उसके महान नेता रहे हैं, क्या क्या उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से आपको इनको याद करना है, कैसे रिलेट करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको बार बार देखें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, s.a.academy के नाम से हमारा आईडी है, तो आप वहां पर भी फॉलो करें और लाइक्स दें और हमारा उत्साह बढ़ाएं और आपके पास ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ये मेरी गारंटी है कि आपको जो भी मैटर आपको प्रोवाइड करा जाएगा कोशिश होगी कि ऑथेंटिक मैटर आपको दिया जाए और ऐसा मैटर आपको दिया जाए जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। फालतू की बातें हम बिल्कुल अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ हम कोशिश करेंगे कि आप अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और तो एक ही वीडियो में आप इतना कुछ प्राप्त करें कि आपको किसी और बार बार कहीं इधर उधर वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में वीडियो पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी अन्य पार्टी के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।